Hey, what's up, lovely people? This is Vishal. Welcome to my YouTube channel, B-Blogs. तो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ यामा FZ225 के बारे में. तो गाइस, ये ABS डुअल चैनल में ABS में लॉन्च हो गया है. तो गाइस, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते. तो वीडियो देख, तो गाइस और भी कुछ जानने के लिए इस बाइक के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? तो गाइस मैं ही बताऊँगा. तो चलो चलिए गाइस शुरू करते हैं. हमारे ये बाइक लॉन्च करी ex-showroom के. इसका प्राइस है जो है 1,33,000 रुपीज़ में. और गाइस इसका जो सेम कंपोनेंट्स है उसका 149 cc का FZ सीरीज़ में. तो गाइस ये जो विजुअल पार्ट्स आर न्यू ऑन द FZ25 में. और गाइस ये मैट ब्लैंक में लॉन्च हुआ है. और डार्क मैट ब्लू और साइन ब्लू सेट्स, ये तीनों कलर में ये पाया जाता है. हेयर आर 7 रीजन्स टू बाई. आज मैं बताऊँगा कि 7 रीजन्स टू बाई 2019 FZ25 ओवर एनी अदर बाइक इन इट सेगमेंट. माना जाता है कि इसका एक्सलेंट बिल्ड क्वालिटी के बारे में. और FZ25 भी डिफरेंट इन दो स्टाम जो दूसरा बाइक है उससे भी डिफरेंट बाइक है. और इसका 41 mm फ्रंट फोक्स और वाइड टायर्स और क्लास फास्ट इन क्लास इंस्टेंट फ्यूल इफिशियंसी एंड LED हेडलाइट इसका बहुत अच्छे लुक देते हैं. और इससे सेल्स सर्विस एंड पार्ट अवेलेबिलिटी हैव एनीवेयर बीन एंड इशू करता है. कोई भी खराबी नहीं होती इस गाड़ी में. और गाइस यामा बहुत ही एक अच्छा कंपनी है जो गाइस बहुत ही अच्छा अच्छा बाइक निकालता है. और गाइस FZ सीरीज़ के बाइक्स बहुत ही अच्छे होते हैं. गाइस इस बाइक में हाई एंड टॉर्क की फीचर्स मिल रही है. आपके 249 cc का फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल इंजन इज गुड फॉर 20 Nm टॉर्क एंड जस्ट 6000 RPM. इट मेक्स बेटर एवरीडे राइडिंग. रिपीट राइडिंग के लिए आपका बहुत अच्छा है. और इसका इस प्राइस टैग में 1,33,000 बहुत ही कम है प्राइस है. और इसका जो अदर्स जो कंपेयर करते हैं बारे में अदर्स बाइक वो है 3200 पल्सर एस 200 एंड KTM ड्यूक 200 डिलीवर्ड देयर मैक्सिमम टॉर्क एट 7000 to 8000 RPM. इवन देन द टॉर्क आउटपुट वैल्यू इज लोअर कंपेयर टू द FZ25. इट्स नॉट बिल्ड फॉर द टॉप स्पीड. एट कोर बिलीव ऑफ द इंजिन इज क्रिप्स एक्सलेशन एंड पावरफुल ड्राइव के लिए बनाया गया है. इस बार ब्रेक्स के बारे में बात करते हो गाइस, इसका ब्रेक्स है डुअल चैनल ABS और एडिशनल सेफ्टी ऑफ द राइडर के सेफ्टी बारे में ध्यान रख के इसका जो ब्रेक्स है वो ABS के डुअल चैनल ABS में दिया हुआ है. और जो इसका फ्रंट ब्रेक है वो है 280 mm एंड होइल एंड रियर का इसका जो ब्रेक से वो है 220 mm. एक्सलेंट माइलेज. FZ25 वेट इज जस्ट 152 kg इसका वेटर. और इसका फ्यूल टैंक है 14 liters का. इस हेल्प्स एक्सलेंट 43 km पर लीटर का माइलेज देता है. और अदर बाइक्स दैट कैरी क्वार्टर लीटर और इंजिन मोस्टली वेट बिटवीन 155 to 165 kg. इन द इंडियन मार्केट द टैंक एक्सटेंशंस आर एरोडाइनमिक एंड द ओवरऑल डिजाइन फैसिलिटीज ए पावरफुल प्रेजेंस. ये हमारा ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है इसमें और हेल्प करता है कीपिंग परफॉर्मेंस हाई एक्सपीरियंस लो. और गाइस इसका जो मीटर का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल वो है पूरा ही डिजिटल क्रिस्टल क्लियर. ऑफर है सिंगल स्क्रीन दैट होल्ड्स द टैकोमीटर स्पीडोमीटर ओडोमीटर टू टिप्स मीटर्स एंड वैल्यू लाइक्स एवरेज एस वेल इस एस इंस्टॉलमेंट फ्यूल एफिशिएंसी. द फ्यूल गेज इवन डिजिटल ऑन द FZ25. द पोर्शन दैट इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक होल्ड्स द LED इंडिकेटर लाइट्स फॉर द अदर फंक्शंस ऑफ द मोटरसाइकिल. फुली डिजिटल है मतलब इसका इन जो इंस्ट्रूमेंट क्लास है फुली डिजिटल है. द इल्यूमिनेशन इज गुड कंपैरिजन टू अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट. तो गाइस वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इस प्राइस टैग में 1,33,000 के प्राइस में 2 लाख बाइक बहुत ही अच्छा है. और KTM जैसा जो ड्यूक सीवीआर 250R और जो इसका प्राइस है 9.64 lakh. और KTM 250 ड्यूक का प्राइस है 1.81 lakh. सो गाइस इस प्राइस में ये बाइक 250 का बाइक मिलना बहुत ही नामुमकिन. तो गाइस हमारे ये मुमकिन करके दिखाया 250 cc का बाइक निकल के. तो गाइस अवेलेबल मिलता है 25 बहुत ही अच्छा है. और जो इसका कलर से ग्लॉस ब्लैक साइन ब्लू और जो FZ25 डार्क मैट ब्लू और FZ25 मैट ब्लैक ये तीनों कलर में ये अवेलेबल है. तो गाइस चलिए टेक्निकल फीचर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. इसका जो इंजन का सीसी है वो है 249 एयर कूल्ड विद ऑयल कूलर. इंजन है फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ब्लू कोर टेक्नोलॉजी. मैक्सिमम पावर इसका 20.9 horsepower और एट दैट 8000 RPM. मैक्सिमम टॉर्क इसे 20 Nm टॉर्क एट दैट 6000 RPM. गियर बॉक्स इसका 5-speed ट्रांसमिशन. फ्रंट ब्रेकेटर इस इसका 282 mm सिंगल डिस्क. और प्रियर ब्रेक इसका 220 mm सिंगल डिस्क. फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क्स
रियर सस्पेंशन मोनोशॉक एलईडी हेडलाइट एंड टेल लाइट ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल फ्रंट टायर इसका 100/80/70 MC 52P और गाइस इसका जो रियर टायर है वो 140/70/17 MC 666 ओवरऑल लेंथ इसका 2015 mm ओवरऑल विड्थ इसका 770 mm ओवरऑल हाइट इसका 1075 mm और गाइस इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm सीट हाइट गाइस इसका है 795 mm व्हील बेस इसका 1360 mm और इसका कार्बो हेड की बात करें तो इसका कार्बो हेड 152 kg और गाइस इसका फ्यूल टैंक की बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा आपका माइलेज मिलेगी 14 लीटर्स का टैंक है और इसका ऑयल टैंक कैपेसिटी है गाइस 1.55 लीटर्स और गाइस टर्निंग सर्कल है 2.5 मीटर। तो गाइस इसका प्राइसिंग में थोड़ा बात कर लेते तो गाइस इसका जो FZ25 नॉन ABS है वो है ex-showroom का प्राइस है 120,835 रुपीज़ और जो RTO का चार्ज है 3,831 रुपीज़ और जो इंश्योरेंस का चार्ज है वो है 13,687 रुपीज़ और जो ऑन रोड प्राइस हावड़ा में वो है 1,38,353 रुपीज़। और गाइस FZ25 जो ABS के बारे में बात करते हैं तो है वो ex-showroom का प्राइस है 1,33,000 रुपीज़ और जो RTO वाले लेते हैं वो है 10,640 रुपीज़ और जो इंश्योरेंस का चार्ज है वो 8,649 रुपीज़ और जो ऑन रोड प्राइस दिल्ली का है अभी तक हावड़ा में अवेलेबल नहीं तो गाइस उसका प्राइस है 1,50,289 रुपीज़। देखते हैं कि कब तक ये हावड़ा में लॉन्च होता है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही FZ25 ABS के बारे में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और गाइस कमेंट और शेयर कीजिए और गाइस मैं इस तरह से जो नए बाइक्स आते हैं और कार्स आता है इसका वीडियो डालते रहते हैं। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो पहले सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल वाला आइकन को दबाइए मेरे चैनल पर सबसे लेटेस्ट वीडियो बनेंगे। तो गाइस बाय बाय सी यू अच्छा रहे और जो आर को बोले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।